रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। काउंसलर को बताए अपना हाल, काउंसलर को बताए अपना हाल। जो सुने हमारे मन के सवाल, सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स, चैनल नंबर 6 से 12। और इन चैनलों के अलावा आप हमसे जुड़े हुए हमारे YouTube चैनल पर भी, जो है NCERT Official। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसका नाम है सहयोग। और इससे पहले कि हम इस सेशन में आगे बढ़ें, बहुत ही ब्रीफ में आप सभी को हम बताना चाहेंगे सहयोग सेशंस के बारे में। तो सहयोग एंड परिचर्चा सेशंस आर हेल्ड अंडर मनोदर्पण इनिशिएटिव एंड इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर प्रोवाइडिंग साइको सोशल सपोर्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। एंड वी टॉक अबाउट मेंटल वेलबींग of all the students in these programs. And before we proceed further, let me tell you the title and the topic of the session, that is how to manage emotional neglect among adolescents. क्या होता है इमोशनल नेगलेक्ट और बच्चों को ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं RIE NCERT अजमेर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम सर। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर भी, चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं। आप हैं मिस रितु शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने सभी देखने वालों से हम शेयर करना चाहेंगे वो सभी माध्यम जिनके द्वारा आप इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं अपनी सभी क्वेरीज और अपने प्रश्नों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपना फीडबैक हम तक पहुँचाएंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ये सेशन यानी कि सहयोग सेशन आपको कैसे लगते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं, जो है NCERT Official, आप वहाँ पर लाइव चैट बॉक्स में जाकर कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, हम चाहते हैं कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज के साथ आप हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने। तो हम चलिए बिना किसी देरी के अब सीधे शुरू करते हैं अपने आज का ये सत्र। और मनीष सर, हम आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इमोशनल नेगलेक्ट का हम क्या मतलब लें, आखिर ये होता क्या है सर? थैंक यू सो मच। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें इमोशनल नेगलेक्ट, जैसे एटमोलॉजिकली ये दो शब्द से बना हुआ दिख रहा है, एक इमोशन और एक नेगलेक्ट। राइट। जैसे हम देखें कि इमोशनली हम नेगलेक्ट करें बच्चों को, जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं अधिकतर हम फिजिकल केयर पर ज्यादा ध्यान रखते हैं कि बच्चे साफ दिखें, गंदे ना हो उनके कपड़े, कहीं अगर वो गिर जाते हैं तो तुरंत हम देखते हैं कि कहीं उनके कहीं स्क्रैच तो नहीं आ गया, कोई घाव तो नहीं आ गया, कुछ लग तो नहीं गई। लेकिन बहुत बार ये देखा गया कि बच्चों को हम ये नहीं देखते कि इमोशनली कितना स्कार है उनको, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एरा है, बच्चों पर बहुत दबाव है, बच्चों पर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की, सोसाइटी की, और पीयर प्रेशर भी है। तो इमोशनली कई बार और उनको केयर और जो प्रेम वो घर से परिवार से चाहते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, कजिन या दादा दादी या बहुत सारे लोग जो, लेकिन अगर देखें हम भारत की जो संस्कृति के अंतर्गत समस्या नहीं थी, लेकिन भारत में जब से वेस्टर्नाइजेशन होना शुरू हुआ और वेस्टर्न कल्चरल पैटर्न्स को फॉलो करने शुरू कर दिया भारतीय लोगों ने, तब से ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। और ये एक तरह से देखें कि हम इसको समझ सकते हैं आसान शब्दों में कि एक ऐसा संबंध जिसमें बच्चा प्रेम चाहता है और उसे मिलता नहीं है, और वो समझता है कि मुझे परिवार में
नेगलेक्ट किया जा रहा है इमोशनली, कि उसको फीस दे दी जाएगी ट्यूशन की अगर पढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस स्कूल की फीस दे दी है, उसको कपड़े अच्छे दे दिए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता है, उनको टाइम नहीं देते हम बच्चों को आज के परिवार में। और एक जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम देखते थे कि भारत में संयुक्त परिवारों का एक कॉन्सेप्ट, सब लोग मिलकर रहते थे, जिसमें बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी और उनसे बिजनेस का प्यार मिलता था। तो ये इमोशनल नेग्लेक्ट हमारे भारतीय संस्कृति का कोई भी हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत में ये समस्या का जन्म हुआ है कि जब हमने भारतीय मूल्यों को धीरे धीरे उनसे दूरी बनाई है और वेस्टर्न कल्चरल पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू किया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये इमोशनल नेग्लेक्ट। जी थैंक यू मैम। सर ये तो बात हुई इमोशनल नेग्लेक्ट की, और आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि क्या होता है, बच्चे किस तरह से फील करते हैं जब उनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। रितु मैम, हम यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे कि जैसे सर ने बहुत अच्छे से बताया इमोशनल नेग्लेक्ट होता क्या है, अगर हमारे जितने भी एडोलेसेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या क्या सिम्टम्स वो अपने अंदर पाएँ या आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे फिगर आउट करें मैम ये समस्या, अगर हम इसे समस्या का नाम दें तो। थैंक यू मैम। सब जैसे सर ने बताया हमें कि इमोशनल जो निग्लेक्ट होता है, यानी कि बच्चों की जब फीलिंग्स की बात करते हैं हम लोग, बच्चे चाहते हैं हमें कुछ बताना और हम चाहे वो टीचर्स हैं चाहे पेरेंट्स हैं, जल्दीबाजी में कभी कभी उनकी बातों को उतना ध्यान से सुन नहीं पाते, या कभी कहते हैं चलो ठीक है बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे हर्ट हो जाते हैं। फिजिकल अब्यूज है या सेक्सुअल अब्यूज है, उनके निशान दिखाई पड़ते हैं, पर इमोशनल भावनाओं वाली बात है ये दिखती नहीं है, जबकि ये लॉन्ग टर्म होती है और बहुत ज्यादा समय तक हमारे साथ रहती है। अगर शुरुआत करें एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, नोइंगली अननोइंगली, मेनी टाइम्स अननोइंगली, बिकॉज मुझे लगता है जागरूकता ही इस बारे में बहुत कम है पेरेंट्स के पास भी कि इमोशनल निग्लेक्ट होता क्या है, हमें नहीं समझ में आता। कभी हम जल्दी में होते हैं, लेकिन कभी तो हमें टाइम निकाल के बैठना चाहिए बच्चों के पास, क्योंकि ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ओके टू बी ओके, इट इज ओके नॉट टू बी ओके, सॉरी इट इज ओके नॉट टू बी ओके ऑलवेज, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चों, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगी आपको, आप लोग अरे ये तो होता है मेरे साथ, तो बिल्कुल सही सी बात है। ये रिसर्चेस कहती हैं कि हमारे देश में एक एडोलेसेंट जो है, एक बड़ा बच्चा जो है, हर चौथा बच्चा जो है वो भावनात्मक निग्लेक्ट का, उपेक्षा का शिकार है। हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, डिफिकल्टी ऐसे बच्चों को पहचानने में किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपने देखा होगा बच्चे कहते हैं, कई बार क्लासेस में होते हैं बच्चे कहते हैं आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मुझे ठीक सा नहीं लग रहा, अपनी बातों को ढंग से कह नहीं पाते, हम उन्हें जोक सुना रहे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे मुंह बना के बैठे होते हैं कि बेटा हंस लो, हंसने की बात थी ये तो। कई बार वो सेल्फ ब्लेम करते हैं कि अरे मेरी ही गलती थी, मैंने ही गलत किया होगा, उनकी बड़ी लो सेल्फ एस्टीम होती है। तो जो बातें बता रही हूँ आपको लगता होगा कि अरे ये तो रोज ही होता है हमारे साथ, हम भी तो ऐसा महसूस करते ही हैं, तो ये बिल्कुल सही सी बात है। अगर कोई आपको प्यार देना भी चाहे आपसे कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, लॉ मैं कर देती हूँ, नहीं नहीं ठीक है मैं खुद कर लूंगा, नहीं नहीं ठीक है हो जाएगा, तो समटाइम्स दे ट्राई टू डेविएट फ्रॉम योर फीलिंग्स कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए इस तरह की। कई बार उनको खुद को लगता है दे फील शेम एंड गिल्ट अराउंड द इमोशंस की यार मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मेरे को ऐसी फालतू बात क्यों बोलनी चाहिए थी, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। देन वी कैन वॉच दीज चिल्ड्रन बाय सीइंग देयर इनसिक्योर अटैचमेंट्स, दे आर ऑलवेज वरिड, पता नहीं ये मेरा दोस्त बनेगा भी कि नहीं बनेगा, मैंने दोस्ती तो कर ली है, देखना उस दिन वो लड़की आ जाएगी तो पक्का मुझे छोड़ के चला जाएगा। ऑल्सो समटाइम्स वी कैन हैव द फीलिंग दैट दीज चिल्ड्रन हैव दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स, Those who show negativity towards parents, बच्चे नहीं समझ पाते माँ बाप, आप भाई कमा तो आप ही के लिए रहे हैं, चीजें तो आप ही के लिए कर रहे हैं, बिजी हैं तो भी आप ही सभी के लिए है, वो अपने लिए भी हैं, घर परिवार के लिए हैं, लेकिन sometimes they start speaking like कि मम्मी तो मेरी ऐसी ही है, पापा ध्यान नहीं देते हैं, पापा को तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट वी आर एक्चुअली अ विक्टिम ऑफ इमोशनल निग्लेक्ट। पुअर इनके पीयर रिलेशनशिप्स होते हैं, एक दो फ्रेंड्स होते हैं, एक होती है कभी कोई दूसरा, एक पक्के दोस्त नहीं होते इनके। सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन तो होगा ही होगा जब ये सब चीजें होंगी। एकेडमिक स्ट्रगल्स भी करते बच्चे देखे आते हैं, इनको समझ में नहीं आता जल्दी से, क्योंकि बात वही है कि ढंग से समझ नहीं पाते हैं, रिएक्ट नहीं कर पाते, अटैच नहीं कर पाते चीजों को, तो नंबर नहीं आते, जब नंबर नहीं आते तो दिखाना जाते हैं घर में, तो भी वैसे सुनने को मिल जाता है। कई बार पेरेंट्स बजाय और चीजें पूछने के सीधा बोलते हैं तुम्हारा तो हाल ही रहता है, पर कहीं ना कहीं बच्चा बहुत उस चीज को हर्ट हो जाता है, तो वो धीरे दिखाना बंद कर देता है,
और अटेंशन पे करने में भी इन बच्चों को डिफिकल्टी होती है। तो ये सिम्टम्स अगर हम देखें तो हम सब में ही, कभी मेरे में भी होते हैं, कभी एज ए पेरेंट किसी और में भी, टीचर्स में भी होते हैं। तो इट्स एक्चुअली ओके नॉट टू बी ओके एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, आपने सिम्टम्स और साइंस हमें इतने अच्छे से क्लैरिफाई किए। मुझे लगता है कि जितने भी लोग और व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ज़रूर ये क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। मनीष सर, हम यहाँ पर आपके पास आएंगे, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स हमने जान लिए, इमोशनल नेगलेक्ट क्या होता है ये हमने जान लिया, तो ज़रूर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होंगी जिसकी वजह से या जिनके जिन्हें अपना करके जितने भी बच्चे एडोलेसेंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इन सभी चीज़ों से, इमोशनल नेगलेक्ट से बच सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो क्या है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज, हम ये आपसे जानना चाहेंगे सर। ओके थैंक यू। जैसे हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेल्फ अवेयरनेस। अगर हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हर पहलू में कि हम अवेयर हों पहले अपने बारे में, हमारे अंदर क्या चल रहा है। बहुत बार हमें पता नहीं लगता कि अंदर क्या चल रहा है, और एक जो एडोलसेंस जो एज है, हम कहते हैं कि वो ऐसी एज है जहाँ तूफान की अवस्था की कहते हैं, जहाँ बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, और जब उसको अवेयरनेस और मिस हो जाती है कि वो अवेयर नहीं हो पाता अपने सेल्फ के बारे में, तो बहुत बार कभी कभी ऐसा देखने में मिला है कि खराब डिसीजंस ले लेता है। तो अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सेल्फ अवेयरनेस, और उसके साथ साथ कि वो सेल्फ कंपैशन, कि वो अपने प्रति काइंड होना चाहिए। हम दूसरों से चाहते हैं कि हमें काइंडनेस मिले, हमें अटेंशन मिले, हम हमारी कोई केयर करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले ये राइट हमारा है अपने प्रति, कि हम सबसे पहले अपने प्रति काइंड हो, अपनी केयर खुद करें, अपना खुद ध्यान दें, और सेल्फ लव, और इन सब के साथ मिलके मिलने से जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो सेल्फ कंपैशन, अपने प्रति थोड़ा हम दयालु रहें, काइंड रहें। और जिसे मैं बच्चों को भी देखता हूँ और कहता भी हूँ एक बात, और ये बड़ों के साथ भी है, कि हम बहुत सारी ऐसी बातें अपने से कह देते हैं। अगर हमारा कोई बहुत प्रिय मित्र या कोई बहुत सबसे नज़दीक व्यक्ति भी कह दे उन बातों को, तो हम नाराज हो जाएंगे या झगड़ने लगेंगे, लेकिन हम अकेले में अपने प्रति खुद बहुत खराब शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, मतलब बहुत बुरी तरह से अपने आप को क्रिटिसाइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने प्रति भी कंपैशन और काइंड रहना चाहिए, कि हम भी अपने से खुद से ये चाहते हैं कि हम खुद का ध्यान रखें। और ये टॉक थेरेपी, हम अपने प्रति जब बात करें या दूसरों से बात करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, अफर्मेटिव बात करें, और ओपन टू लर्निंग, हम सीखने के प्रति रेडी रहें। जो एक आज के दौर में टीचर्स, जैसे मैं बीइंग ए टीचर और एक इस समस्या को मैं देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ, कि बहुत बार बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम इंटरनेट के थ्रू देख लेंगे और दूसरी गाइड से सीख लेंगे। बच्चे मैं इस प्लेटफॉर्म माध्यम से बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें, और जो उनके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसमें मदद करें, और हम लोगों को भी जजमेंटल नहीं होना है, हम लोगों को भी उनके प्रति एक बहुत काइंड रहना है, और उनको बताना है कि अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। फिर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप इमोशनली निग्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप मिस करेंगे कुछ स्टेप्स, तो आप नई चीजें सीखें, अच्छा काम करें, मेहनत करें, तो क्या होगा कि हम बिजी रहेंगे। और एक सबसे अच्छा जो तरीका है, अगर कोई भी बच्चा अगर यहाँ मेरी बात सुन रहा है, और या पेरेंट्स या टीचर्स या कोई, कि अगर लगता है कि इमोशनली निग्लेक्ट हो रहा है या इमोशनली कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो अपने शेड्यूल को बिजी कर ले, अपने आप को बिजी कर ले कि कुछ करता रहे, काम पढ़ता रहे, लिखता रहे। अगर वो स्टूडेंट जैसे एडोलेसेंस की बात, एडोलेसेंस की बात चल रही है, तो पढ़ने में लगा दे मन, अपने कोई सब्जेक्ट में जो लगता है सबसे ज्यादा उसी को स्टार्ट कर दें फिलहाल पढ़ना, और उसके साथ साथ एंगेज योर बॉडी एंड माइंड, और आउटडोर गेम्स खेलने में लगाएं। अगर जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा उस समय, तो आप बाहर कोई ऐसा आउटडोर गेम्स है उसमें आप चले जाएं। अगर जैसे अगर देखा कि आप छोटे हैं, तो और कोई हॉबी है आपकी, आपको लगता है ड्रॉइंग आता है, आपको आर्ट आता है,
उसको आप बनाना शुरू करते हैं, तो उससे भी आपका क्या होगा कि आपके बॉडी और माइंड का एक एंगेज हो जाएगी और आपका अलाइनमेंट हो जाएगा बॉडी और माइंड का, उससे क्या होगा हील योर इनर सेल्फ। इस तरह से आप धीरे 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 अपने सेल्फ को हील कर लेंगे। और जैसे मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ और एक फिर मैं बच्चों से कहूंगा कि जैसे हम अपनी स्ट्रेंथ के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हम अच्छी डाइट खाते हैं और ये डॉक्टर्स और जितने भी स्पेशलिस्ट हैं ये एडवाइस करते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी का फूड खाना चाहिए या फ्रूट्स खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप मेंटली इमोशनली हेल्थी और इमोशनली इंटेलिजेंट अपने आप को करना चाहते हैं, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे विचारों को रखिएगा और अपने प्रति बहुत पॉजिटिव रहिए और अपने अपने जैसे आपको लगता है कुछ पॉजिटिव स्पीकर्स हैं या कुछ अच्छी मैगजीन्स हैं, सूक्तियां हैं, राइटिंग्स हैं, आपका इंटरेस्ट है जिस भी विषय में है उन, उन, उन उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट लोगों की कुछ कोर्स को पढ़ना शुरू कर दें, तो उस तरीके से हम अपने आप को इन स्टडीज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं इमोशनल नेगलेक्ट को और अपनी इमोशनल जो नेगलेक्ट है एक समस्या उसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू मैम जी। तो ये तो बात हुई उन स्ट्रैटेजीज की कि किस तरह से आप अपने इमोशनल निगलेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजीज आप सभी को अपनानी चाहिए, जैसे सर ने बताया आप ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर रितु मैम हम आपके पास आएंगे, हम बात करेंगे अब इमोशनल इंटेलिजेंस की। अभी तक हम बात कर रहे थे इमोशनल निगलेक्ट की, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो जितने भी हमारे एडोलसेंट्स हैं किस तरह से वो ये चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या कुछ प्रैक्टिस करें मैम? थैंक यू मैम। जैसे कि सर ने बताया कि हमें अपने आप को बिजी करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो चीज सीखने वाली है वो है एजुकेट योरसेल्फ अबाउट योर इमोशंस। हमें अपने आप को एजुकेट करना है अपने इमोशंस के बारे में। हाँ, हमें पता होना चाहिए एज एन एडोलेसेंट, गूगल है आपके पास पता करने के लिए, बुक्स हैं आपके पास, बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं जो आपको बताते हैं किस तरह की आपकी एज जब बढ़ती है तो किस तरह के चेंजेस होते हैं, किस तरह की इमोशनल नीड्स होती हैं आपकी। अगर हमें पता होगा, जैसे कहते हैं ना कारण ही निवारण है, तो जब कारण हम जानते होंगे, बीमारी हम जानेंगे, तो उसकी दवाई करनी भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों हमें बुरा लग रहा है, क्यों हमें अच्छा लग रहा है, तो हम उनके बारे में जब पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, तो हम उस चीज को ठीक करने में भी हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी एजुकेट योरसेल्फ अबाउट योर इमोशंस। देन सेकंड थिंग इज बी एम्पैथेटिक। नाउ बी एम्पैथेटिक मींस अपने अंदर एम्पैथी डेवलप कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं जिनसे आपको कभी कभी इमोशनल निगलेक्ट का सामना करना पड़ता है। बेसिकली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बच्चे हैं, एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं। तो बच्चों आपको ये बात समझनी है, आपको एम्पैथेटिक मतलब अपने को उनकी जगह पे रख के ये सोचना है कि अगर पापा ने ऐसा बोला है तो सबसे पहली बात तो आप ये भी सोच सकते हैं, मतलब आप पापा से पूछ भी सकते हैं कि पापा आप जानते हैं कि मुझे कितना बुरा लगता है, क्या आप जानते हैं इमोशनल निगलेक्ट क्या होता है। आप अपने पापा को भी हमारे बहुत सारे सहयोग के सेशंस दिखा सकते हैं जिसमें इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया भी गया है, क्योंकि कई लोगों को मालूम ही नहीं है। जब मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा तो मुझे लगा अरे ये तो मैं भी करती हूँ, तो मैं एज ए टीचर भी करती हूँ, एज ए पेरेंट मैंने भी किया है, अननोइंगली किया है। और जब से मैंने इस चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया है तब से मेरे व्यवहार में काफी अंतर भी आया है। सो इट इज लाइक अवेयरनेस, सो हैव बी अवेयर, देन बी एम्पैथेटिक। चाहे वो टीचर्स को, टीचर्स को बहुत सारे काम रहते हैं बच्चों, कई बार आप बहुत अच्छा सामान लेके आते हैं दिखाने के लिए, इतना अच्छा वर्क आपने किया होता है, बट समटाइम द टीचर इज एक्चुअली इन हरी से, ठीक है बेटा ठीक है देख लिया आपका, कल देखेंगे, तो आप थोड़ा सा हर्ट होते हैं, पर आप समझिए कि टीचर्स के पास ज्यादा काम है, ठीक है मैम ने ऐसे बोल दिया है और मैं कल दिखा दूंगा, है ना। बिल्ड एक्सेप्टेंस की, आपको एक्सेप्टेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे ही होता है, और कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा लोग बोल देते हैं, इसको थोड़ा हल्के में लेना है, आपको समझ तो लेना है कि हाँ बोल तो दिया ही है, लेकिन क्योंकि अगर आप ज्यादा फील कर जाएंगे तो फिर नुकसान भी आपको होना है, आपके बॉडी माइंड एंड सोल को होना है, जो हमें करना नहीं है। जैसे सर ने बताया हमें अपने आप के लिए एक बहुत अच्छी सी कंपैशनेट एक लवली फीलिंग डेवलप करनी है कि अरे ठीक है काम तो मैंने अच्छा ही किया है, कोई बात नहीं, मैं हमने आज नहीं कहा तो कल कह देंगी, पापा ने आज नहीं देखा है तो कल देख लेंगे, है ना। इस तरह की हमें फीलिंग्स को डेवलप करना है। देन द सेकंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज इमोशनल रेजिलियंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कम्स अंडर जो हमारी ईक्यू होती है,
उसके अंदर ही आती है। इमोशनल रेजिलियंस इज लाइक इलास्टिक सिटी, जिस तरह आप रबड़ को खींचते हैं वापस रबड़ पे जगह पे आ जाती है, वैसे ही आपको जो है भावनात्मक चीजों को दुखी होना तो है लेकिन फिर वापस से अपने आप को सुखी कर लेना कि चलो कोई बात नहीं, है ना। इट इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड कोप विद लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। जितना ज्यादा जिसका जितना अच्छा इमोशनल रेजिलियंस होगा वो लाइफ में उतना ज्यादा अडैप्टेबल होगा, उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो हमें इस चीज की प्रैक्टिस भी की जा सकती है। प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि अगर माता पिता आपके हैं, देख रहे हैं ये हमारे व्यूअर्स, अगर माता पिता हैं तो वो या बच्चे हैं तो वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग उम्र के लोगों के साथ खेलिए, खेलने जाइए, उनके साथ बढ़िए बैठिए मिलिए, ताकि आप जान जाए कि हाँ वाकई में ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी ही मुझे डांटते हैं या उन्होंने ऐसा कहा, बल्कि सारे दादाजी जो होते हैं वो उनका व्यवहार ही समझाने का होता है। बिकॉज एक्चुअली एवरी फादर वॉन्ट्स यू नॉट टू डू द मिस्टेक्स दे हैव डन, एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स। So this is what, that is why they are doing. So don't get so much hurt. Then you should like a first aid box. One more thing you can do very well in houses which is very very easily available. क्योंकि कई बार बच्चे आजकल अकेले भी हैं घर में, ये भी एक रीजन है। पहले दादा डांटते, कोई पापा डांटते थे तो आप दादा के पास चले आते थे। अब क्या न्यूक्लियर फैमिलीज है तो आपको वो बैकअप सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, तो आप क्या करें, जैसे आप फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं वैसे ही अपना एक इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स भी बना के रख सकते हैं आप, जिसके अंदर एक बॉल रखी जा सकती है, जिसके अंदर एक अच्छी सी पेन ड्राइव हो सकती है, जिसके अंदर आपके फेवरेट गाने होते हैं, ताकि जैसे ही आप दुखी हुए, अरे आपको समझ में आने लगा कि यार मुझे फिर से ना ऐसे बुरा सा लगना शुरू हो गया, तो आप जाइए अपने मनपसंद गाने सुनिए, सर ने ऐसा बताया, अपनी कोई एक अच्छी सी किताब रखिए वो पढ़िए, आपको कोई मूवी देखने का शौक है, आपकी फेवरेट मूवी है आपकी हैरी पॉटर की मूवी है, आप उसको रखिए कि चलो मैं उसको देख लेता हूँ। उसके अलावा आप बहुत सारे यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, गार्डनिंग जैसी हॉबीज है वो भी कर सकते हैं, जस्ट टू बी कंपैशनेट, जस्ट टू बी फीलिंग टू हैव लव विद यू कि चलो ठीक है कोई बात नहीं ऐसा हो गया। क्योंकि बच्चों अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा कई बड़े आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कभी भी किसी बात से खुश नहीं होते, हमेशा कहते हैं अरे यार ये क्या है, अरे ये ऐसा ही होता रहता है, तो होता ही ऐसा रहता है कुछ ना कुछ। और कई आपको ऐसे बड़े मिल जाएंगे जो हर बात पे खुश रहते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया चलो कोई नहीं कल देखते हैं कैसा होता है ना। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा बनना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, तो आपको अपने पास एक अच्छा सा फर्स्ट एड बॉक्स रखना होगा। दादा दादी नाना नानी जो भी आपको लगता है कि एक बड़ा आपको समझा सकता है उस समय पे, या कोई काउंसलर है, आप मनोदर्पण के सेशन में नंबर्स आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं और अपने अपने आप के लिए एक अच्छा सा आपको माहौल बना के रखना है, तो तभी आप एक बहुत अच्छे बच्चे बन पाएंगे और एक बहुत अच्छे बड़े होके एक अच्छे बड़े बन पाएंगे जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये तो बात ही इमोशनल इंटेलिजेंस की, और जैसे मैम ने बताया कि बच्चों क्योंकि जब पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो आपको किसी न किसी का इमोशनल सपोर्ट मिल जाता था, अब इस बात की कमी ज़रूर है, और कमी हमारे सेशन में सर समय की भी है मनीष सर, लेकिन जाते जाते हम आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क जानना चाहेंगे कि अगर हम इस पूरे सत्र की बात करें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या टीचर्स को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। ओके थैंक यू मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं समझता हूँ कि जो ग्रामीण परिक्षेत्र है भारत का, वहाँ बहुत टैलेंट है और बच्चे बहुत कुछ करना भी चाहते हैं जीवन में, तो मैं एक मैसेज जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और जो कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने क्षेत्र के बहुत खुशहाल और बहुत अच्छे लोग जो हैं लगते हैं, उनकी धन संपदा से मतलब नहीं, कि कोई हो सकता है कि जिसके पास बहुत कम धन संपदा है लेकिन कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है और लेकिन बहुत मेहनती है और खुश रहता है, ऐसे लोगों से आप अपने बच्चों को मिलाएं और ऐसे लोगों से आप कोशिश करें कि आपके बच्चों के लिए कुछ 5-10 मिनट की वार्ता हो, तो वो आपके बच्चों को बता सकते हैं। जैसे क्या, क्योंकि हम लोग जो बच्चे हैं वो शब्दों से नहीं सीखते अधिकतर, वो सीखते हैं दूसरों को देखकर, बाय इमिटेशन। तो आप जैसे लोगों से मिलाएंगे आपके बच्चों में वैसे गुण हो जाएंगे, और इसके साथ साथ हमें भी मतलब टीचर्स को, पेरेंट्स को और कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको भी अच्छा बनना होगा। जैसे हम अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं तो उसी तरह का व्यवहार हमें भी करना होगा। तो ये सबसे एक मैसेज है, सरल है और लेकिन हमें खुद करना होगा अप्लाई अपने।
बिल्कुल सही बात बोली आपने कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो एक्सेल करें, तो उनके लिए रोल मॉडल हमें ही बनना है, तो अपने आप को भी एक्सेल करना ही होगा। और जैसे सर ने कहा कि और प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा कि आप अकेले रहना सीखें और अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें। अभी समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि ये सत्र हम आगे बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट्स मनीष सर और रितु मैम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आप हमसे जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे सभी व्यूवर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, धन्यवाद। और जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी के साथ हम साझा करना चाहेंगे। NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पाठ्यपुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं। आप सभी ये पाठ्यपुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से सीधे जाकर ले सकते हैं, जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे, पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पर नहीं जा सकते या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो है ncertbooks.ncert.gov.in। ये सभी पाठ्यपुस्तकें आपको आपके घर पर निशुल्क डिलीवर की जाएंगी। यदि आप इसका PDF वर्जन में डाउनलोड चाहते हैं, तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट जरूर करें, ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार। तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। काउंसलर को बताए अपना हाल, काउंसलर को बताए अपना हाल। जो सुने हमारे मन के सवाल, सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632।